नमस्कार दोस्तों, टेको टेक में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप। तो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि आप किस तरह से अपनी प्राइवेट कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं, प्राइवेट कंपनी रजिस्ट्रेशन क्यों आपको करना चाहिए, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो इन सारी बातों का डिस्कशन मैं इस वीडियो में आपको करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और अगर आप में एक एंटरप्रेन्योर है तो जाहिर है कि आप इस वीडियो को कभी भी स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि आपको भी मालूम है कि आपको अपना बिजनेस कैसे एक्सपेंड करना है और उसके लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो ये पहला वीडियो है जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपनी कंपनी को कैसे रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और क्यों करवाना चाहिए। तो वीडियो को ध्यान से देखिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है संदीप, और पिछले 3 सालों से मैं बिजनेस एडवाइस कर रहा हूँ, लोगों को बताता हूँ कि कैसे आपको अपना बिजनेस करना है, ट्रेनिंग भी देता हूँ, और यूट्यूब में वीडियो के माध्यम से आप लोगों को छोटी छोटी जानकारी देता हूँ। और अगर ये वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, कमेंट में अपने सवाल भी पूछिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाल बेल वाला आइकन भी दबा दीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि प्राइवेट कंपनी क्या होती है, जिसको हम लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी बोलते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का मतलब होता है कि ऐसी कंपनी जिसमें कम से कम 2 डायरेक्टर्स हो, और यहाँ पास इस कंपनी को रजिस्टर करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, क्यों आपको अपना बिजनेस को रजिस्टर करना चाहिए। तो कभी भी आपकी जो लीगल आइडेंटिटी होती है बिजनेस की, आप क्या कर रहे हैं, ये सारी बातें जो होती है, ये सारी बातें गवर्नमेंट के सामने रजिस्टर होना चाहिए, क्योंकि इससे कल को अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप जो लीगल मतलब एक्शन है उससे आप अपने आप को बचा सको। अगर आपने अपनी फर्म्स को रजिस्टर नहीं की है तो हो सकता है कि आगे चल के आपको प्रॉब्लम हो। सिंपल भाषा में, बिना लाइसेंस के अगर आप काम करते हैं तो आपको बहुत सारे फाइन पेनल्टी हो सकते हैं। दूसरी बात क्या है दोस्तों, कि अगर आप अपने बिजनेस को एक ब्रांड के रूप में देखना चाहते हैं, सबसे मेन बात यही है कि आप अपने बिजनेस को एक ब्रांड के रूप में देखना चाहते हैं, तो एक लीगल आइडेंटिटी आपको होनी चाहिए। अब ये जो ब्रांड आप बना रहे हो, यहाँ पास मैं आपको बता दूं कि आपको ब्रांड बनाने के दो तीन आपको फायदे क्या होते हैं, कि आपका जो नाम है, आपका जो बिजनेस है, वो आपके नाम से बिकेगा। आप देखते होंगे कि अगर मैंने नाम लिया कि कौन सा जूता अच्छा होता है, तो बाटा का, वुडलैंड का, ऐसे है। तो ये जो नाम होता है, नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है आपकी कंपनी, आपके बिजनेस के लिए। तो जब आप अपना नाम, आप अपने नाम को रजिस्टर करते हो, आप अपने बिजनेस को रजिस्टर करते हो किसी भी कंपनी के रूप में, तो वो नाम कोई दूसरा कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो इससे आपका नाम बच जाता है। जैसे अगर मान लीजिए कि मेरी कंपनी है टेकोबीज.इन प्राइवेट लिमिटेड, तो टेकोबीज.इन नाम की दूसरी कंपनी अब नहीं बन सकती, वो नाम सेंशन होगा ही नहीं। तो इससे आपके आपकी जो प्रोडक्ट है, आपकी जो बिजनेस है, उसका नाम बच जाता है। दूसरा फायदा क्या होता है कि जब आपका नाम चलने लगता है तो आपका बिजनेस भी एक्सपेंड होने लगता है, लोग आपके नाम का इस्तेमाल करके खुद पैसा कमाना चाहते हैं, तो आप खुद का जो ब्रांच खोल सकते हैं, अपना नाम को बेच सकते हैं, क्योंकि वो नाम दोबारा रजिस्टर नहीं होगा। तो इसलिए आपको अपनी प्राइवेट कंपनी रजिस्टर करना जरूरी है। तीसरी चीज क्या है कि प्राइवेट कंपनी कैसे रजिस्टर हम लोग करते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि मिनिमम आपको 2 लोग चाहिए प्राइवेट कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए, जिसमें से सबसे पहले तो आप इन दोनों लोगों का जो डॉक्यूमेंट है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, वो मैं यहाँ पास लिस्ट में आपको दिखा रहा हूँ। आपकी पेन, जो दोनों डायरेक्टर के पेन कार्ड, दोनों डायरेक्टर के आधार कार्ड, दोनों डायरेक्टर के बैंक स्टेटमेंट, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अगर आपकी ऑफिस है, मतलब जिस जगह पास आप अपनी प्राइवेट कंपनी रजिस्टर कर रहे हैं, तो उस ऑफिस का एड्रेस प्रूफ लगेगा, उसके साथ में इलेक्ट्रिक बिल या वाटर बिल लगेगा, और आपको उस, अगर वो जगह रेंटेड है तो रेंट एग्रीमेंट लगेगा, और साथ में मकान मालिक या जिस बंदे का जगह है, जिसको आपने किराए पे लिया है, उस बंदे का NOC लगेगा। लेकिन अगर आपकी खुद की जगह है, खुद का ऑफिस है, तो आपको उसका इलेक्ट्रिक बिल और जो भी डॉक्यूमेंटेशन होते हैं आपकी जगह का, माने आपके नाम का जो लेटर होता है, आपके नाम का जो डॉक्यूमेंट होता है, वो डॉक्यूमेंट लगेंगे।
तो यहाँ पास ही पैन कार्ड, आधार कार्ड तो है ही, साथ में इसके अलावा वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पासपोर्ट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, कोई भी ऐसे ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से स्टेप होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन होते हैं जिससे आप अपनी प्राइवेट कंपनी रजिस्टर करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको बनाया जाता है डिजिटल सिग्नेचर। तो डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो का लिंक में देखिए, जहाँ से आपको मालूम चलेगा डिजिटल सिग्नेचर होता क्या है। इसके बाद आपकी जो कंपनी के जो INC 32, जिसको हम लोग पहले स्पाइस फॉर्म भी बोलते थे, तो स्पाइस प्लस फॉर्म अब वो आ गया है। तो उसमें आपके दोनों डायरेक्टर, दोनों जितने भी डॉक्यूमेंटेशन अटैच होके ये ऑनलाइन सबमिट होता है और इस फॉर्म को ऑनलाइन फाइलिंग किया जाता है। तो इसको आपको जानने से कोई ज़्यादा मतलब नहीं, क्योंकि जब आप कंपनी रजिस्टर कर रहे हैं तो आप किसी न किसी CA से संपर्क में रहेंगे, तो ये सारा जो प्रोसेस होता है वो आपके CA करके देते हैं। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम हो रही है तो मेरे इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, जहाँ पास आपको आपकी कंपनी रजिस्टर करके मिल जाएगी। तीसरी चीज़ होती है कि जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है, इसी बीच में पैन, टेन ये सब के लिए भी अप्लाई होता है, और ये पूरा जो प्रोसेस होता है 3, 4, 5 दिनों के अंदर आपको आपकी कंपनी रजिस्ट्रेशन होके मिल जाती है। और कंपनी रजिस्ट्रेशन होने पर आपको कंपनी का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, MOA, AOA, पैन, पैन नंबर, टेन नंबर, इसके अलावा अभी जो है बैंक अकाउंट जो है वो भी आपको ओपन करके मिलता है, ये सारे डॉक्यूमेंटेशन आपको मिल जाते हैं। तो इस तरह से आपकी प्राइवेट कंपनी रजिस्टर होती है। और इसकी जो रजिस्ट्रेशन में सबसे मेन चीज़ आपको क्या देखना है कि आप अपना कितना कैपिटल रखते हैं। बहुत सी कंपनियां बहुत कम कैपिटल रखती है, बहुत सी कंपनियां ज़्यादा कैपिटल रखती है। तो ये आपके बिजनेस पे डिपेंड है कि आप अपनी कंपनी का ऑथराइज कैपिटल या पेड अप कैपिटल कितना रखते हैं, क्योंकि जब आप बैंक अकाउंट खोलेंगे तो आपको अपनी कंपनी का पेड अप कैपिटल जमा करना होगा, और उसके बाद आप यानी सर्टिफिकेट ऑफ कमिशमेंट जिसको बोलते हैं वो आपको लेना होगा, जो कि आपको आपके CA बना के देंगे। तो इस तरह से दोस्तों आप अपनी प्राइवेट कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं और अपने बिजनेस को एक लीगल आइडेंटिटी दे सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या फ़ोन में बात भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने ये बताया कि कैसे आप अपनी प्राइवेट कंपनी रजिस्टर करेंगे और रजिस्ट्रेशन करने के बाद सर्टिफिकेट ऑफ कमिशमेंट आप कैसे लेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।